The safety, honor, and welfare of your country comes first. Run! Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41 waging war against the king. Fire! रात दिन अपने सीने वजती आजादी दे राख बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ warm welcome to another edition of To The Point. On the show this week, a special personality, Chief Minister of Uttarakhand, Triven Singh Rawat. Welcome, sir, and To The Point. You. you have spent more than 150 days as the Chief Minister in the state. Are you satisfied with the way your stint has been so far? <laughs> काम हमने किए हैं इस बीच में जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं वो निश्चित रूप से राज्य के भविष्य के लिए आ, अच्छे परिणामकारी होंगे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हो एजुकेशन के फील्ड में हो प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसके फील्ड में हो या जो हम भविष्य में देख रहे हैं कि जो रेल यात्रा उत्तराखंड में बद्रीनाथ तक रेल जाने की बात है जो ऑल ऑलर रोड है चारधाम यात्रा मार्ग जिसको कहा गया है उससे ये संभावना है कि भविष्य में उत्तराखंड में पर्यटकों की भारी तादाद बढ़ेगी आपकी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उस पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे लेकिन एक बहुत उत्सुकता भरा जो मेरा एक सवाल है आपसे वो ये है कि इन तीन साढ़े तीन चार महीने के दौरान आपका कंपैरिजन हमेशा योगी आदित्यनाथ से लोगों ने किया है कि योगी आदित्यनाथ बहुत एग्रेसिव थे और आपने अपने आप को बहुत एग्रेसिवली पिचिन नहीं किया है आ, क्या ये कंपैरिजन फेयर है देखिए मैं कभी इस दृष्टि विचार नहीं करता ना मैं किसी से अपनी तुलना करता और मैं मानता हूँ कि हर किसी का काम करने का एक अपना तरीका है योगी जी का अपना तरीका है हमारा अपना तरीका है अगर हम पंजाब के मुख्यमंत्री का देखें तो उनका अपना तरीका हर हर व्यक्ति का उसका जो अपना व्यक्तित्व होता है अपने जो काम करने की तरीका होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है लेकिन लक्ष्य एक होता है और उस पर कोई तेज़ दौड़ता है कोई धीरे से चलता है कोई अपने बीच की गति से चलता है लेकिन मेरा तो आपकी क्या गति है जो अब जब दिशा सही होती है तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं इसलिए पहले दिशा निर्धारित करना चाहिए और उस दिशा की ओर बढ़ने के लिए जो भी संसाधन की ज़रूरत है उन संसाधनों को जुटाना चाहिए 2000 में जब उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था तो उसके साथ और भी बहुत सारे स्टेट्स बने जिनमें बीजेपी की सरकार है और अक्सर एनालिस्ट्स और जो परसेप्शनिस्ट्स हैं उनका ये कहना है कि उत्तराखंड ने उतनी तरक्की नहीं की जितनी शायद छत्तीसगढ़ या झारखंड ने की है क्या कारण आपको लगता है कि उत्तराखंड क्यों पीछे रह गया उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य रहा कि उत्तराखंड में जब भी सरकारें बनी तो जोड़ तोड़ से सरकारें बनी हैं चाहे 2002 की पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार देखिए तो उन्होंने यू के को साथ लेकर के तब उन्होंने सरकार बनाई दो में भाजपा की सरकार बनी तो हमको भी यू का सहारा लेना पड़ा लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत तो है ही लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो अपेक्षा थी उससे अधिक जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इसलिए आज उत्तराखंड अब हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो विकास की जो गति है उसमें तेजी आई है आप ये देखिए कि मैंने कहा कि हमको ऑल द रोड मिला है बारह हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है हमको बद्रीनाथ तक रेल की स्वीकृति हुई है कर्ण प्रयाग तक रेल के ठेके हो गए हैं केदारनाथ जी के लिए करण प्रयाग से केदारनाथ उसके लिए सर्वे का काम चल रहा है लेकिन जो ये ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं एक बहुत भारी तबका है जो एनवायरमेंटलिस्ट का वो ये कह रहा है कि जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो आपकी सरकार किस तरह से डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को बैलेंस करेगी क्योंकि ऑल वेदर प्रोजेक्ट के लिए मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे कैसे वो बैलेंस कैसे बनाएगी आपकी गवर्नमेंट आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक राज्य ऐसा राज्य है इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद जहाँ पर वन क्षेत्र बढ़ा है घटा नहीं है वन क्षेत्र बढ़ा है और कई बार तो हमको ये स्थिति का सामना करना पड़ता है कि हमको पेड़ कहाँ लगाएं, इसके लिए दिक्कत आती है उत्तराखंड इस मामले में बहुत ही सेंसिटिव भी है उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक भी हैं जो पेड़ों की वृक्षों की पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए जो चाहे रेल का निर्माण हो उसमें बजट में साथ साथ प्राविधान किया गया है पर्यावरण संरक्षण का जैसे जो रेल जाएगी ये डीजल इंजन पे नहीं जाएगी ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक होगी विद्युत उससे जाएगी साथ में जो साइड में जो उसके उससे जो भूमि का कटान होगा यद्यपि वो काफ़ी बड़ी जो लेंथ है उसकी वो सुरंगों से होकर के है इसी तरह जो ऑल ओवर रोड है वो भी सुरंगों से है बहुत बड़ी टनल्स उसमें है फिर भी जो बजट प्रावधान किया गया है उसमें पर्यावरण संरक्षण का भी प्रावधान किया गया बजट अरेंजमेंट साथ साथ किया गया है बात अब जीरो टॉलरेंस की करेंगे जहाँ तक टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात है आपकी पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने भी बहुत बार अपने इलेक्शन रैलीज में बोला था कि जो पिछली सरकार थी उन पर बहुत सारे करप्शन के एलिगेशन थे और करप्शन की वजह से उन्होंने अपनी सरकार खोई करप्शन के एंटी करप्शन प्लान पे आपकी गवर्नमेंट बनी है ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन पे आपके आपने क्या आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया अगर आज मैं सत्ता के शीर्ष पर हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर करप्शन हो रहा है तो ऊपर से शुरू होता है इसलिए पहली चीज़ यह है कि उसका जो सोर्स है वो ठीक होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए और इस बात की गारंटी हमने अपनी पब्लिक को दी है और आज भी हम इस बात की गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचार कि को राज्य में पनपने नहीं दिया जाएगा और उस पर हमने चाहे ऊधम सिंह नगर में जो भूमि का जो मुआवजा को लेकर जो एक बड़ा घोटाले की शिकायत सामने आई उससे जुड़े हुए सवाल होंगे या जो अन्य सवाल हमारे सामने आए हैं एक दो सवाल और हमारे सामने आए हैं उस दिन में भी और उजागर होंगे वो तो हमने जहाँ पर भी हमारे सामने आते और हमको ये लगता है कि इसमें तथ्य है तो उस पर हम लोग बहुत ठोस पहल करते हैं और दंडित भी करते हैं तो क्या पिछली सरकारों के जो करप्शन स्कैम्स थे क्या उन पर कुछ खुलासा आप करने वाले हैं या किसी तरीके की कोई पहल उस पर हुई है देखिए हमने एक तो हमने बड़ी स्पष्ट कहा है कि विद्वेष की भावना से दलगत राजनीति की भावना से हम किसी पर भी किसी तरह की जांच बैठाने वाले नहीं हैं हमारे पास अगर ठोस तथ्य आते हैं कोई ठोस प्रमाणों के साथ कोई बात आती है तो हम उस पर एक्शन लेंगे अभी तक देखने में क्या आता है कि हम चार्जेस फ्रेम करते हैं आयोग बिठाते हैं और कोई रिजल्ट उसका आता नहीं है तो ऐसा काम हम मैं नहीं करना चाहता कम से कम मैं इस चीज़ पे मैं विश्वास नहीं करता बहुत सारे माइनिंग माफियाज़ भी हैं उत्तराखंड में लाइमस्टोन और काफ़ी सारी चीज़ों की माइनिंग हो रही है उन माइनिंग माफ़िया से आप कैसे निपट रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे नेताओं के भी माइनिंग कंपनीज जुड़ी हुई थी क्या उनके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया किया जो सॉफ्ट स्टोन का है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ सॉफ्ट स्टोन है वो भी बिल्कुल दूरस्थ है और वहाँ पर इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास अभी तक नहीं आई है इन चार महीनों में जहाँ तक माइनिंग है जो दूसरी तरह की माइनिंग है विशेषकर जो रेत वज्री है नदियों से जो खनन का उठान होता है उस पर हमने बहुत मजबूत पहल की छियालीस स्टोन क्रैसर्स जो बग़ैर लाइसेंस के चल रहे थे उनको हमने बंद किया है छोटा सा राज्य है तो हमने जो चीज़ हमारे सामने आती है हमको लगता है कि यहाँ पर कहीं लीकेज है या ये सभ्य भाषा में लोग लीकेज कहते हैं हम तो मैं तो असभ्य आदमी हूँ चोरी कहता हूँ उसके लिए <laughs> लेकिन तो, रावत जी हम कुछ लगाते हैं इन सभी उपलब्धियों के बाद बावजूद एक बहुत बड़ा तबका है जो उत्तराखंड सोसाइटी का वो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि रावत जी के जो प्लान हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं दिखते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं और वो लॉन्ग टर्म स्टेट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉलिसी प्लानिंग में कोई कमी है क्या ऐसा है हमको तीन चीज़ें राज्य में कमी लगती थी एक हमारे यहाँ कोई भी फैशन डिजाइनिंग का कोई भी संस्थान हमारे राज्य में नहीं था दूसरी बात जो आज के युग को कहते हैं कि प्लास्टिक का युग है और बल्कि मैं कल एक अखबार में पढ़ रहा था कि पृथ्वी जो है वो प्लास्टिक ग्रह बन गया है पृथ्वी के लिए और तीसरी चीज़ है कि हम जो भविष्य में पर्यटकों की जो अपार संभावनाएँ उत्तराखंड में बनी हैं ये जिसे तीन महत्वपूर्ण संस्थान ये राज्य में नहीं थे बाकी तमाम संस्थान राज्य में हैं अच्छे विश्वविद्यालय हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी तो मुझे लगता है कि जितने उत्तराखंड में हैं देहरादून ज़िले में छः मेडिकल कॉलेज जिनमें से तीन यूनिवर्सिटी हैं ये देहरादून ज़िले में जिसकी आबादी केवल केवल चौदह लाख की आबादी है लेकिन रावत साहब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं वो आपका जो स्टेट है वो बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा उसके बारे में पब्लिसाइज भी कर रहा है लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यू आर ओवर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वॉट इज़ योर रोड मैप टू जेनरेट रेवन्यू फॉर द स्टेट ऑन योर ओन वाई डू यू डिपेंड सो मच ऑन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखिए ये सच है कि हमारा जो बजट है वो चालीस हज़ार करोड़ का है और हमारी जो इनकम है उन्नीस हज़ार करोड़ रुपया है उसमें भी सात हज़ार करोड़ रुपया स्टेट की है बारह हज़ार करोड़ रुपया जो जो हमको एक्साइज जो मिलता है सेंट्रल एक्साइज से जो हमको मिलता हमारा हिस्सा मिलता है वो लगभग बारह हज़ार करोड़ रुपया है टोटल उन्नीस हज़ार करोड़ रुपया हमारी इनकम है ये बात सच है लेकिन हमने इस बार जो हमने जो लक्ष्य तय किया तो हम मैंने कहा कि खनन में बहुत बेतहासा चोरी है इसको हम अभी तक हमको लगभग चार करोड़ रुपये मिलता है इसको हम बहुत अच्छी लगभग दो ढाई गुना इस बार हम इसको ले जाएंगे इसी तरह जो लीकेज है चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो जो निर्माण में हो या जो हमारे ए, कहना चाहिए कि जो हमारे निगम निगम हैं जो अलग अलग विभागों में जिस तरह की लीकेज है उसको हम रोकेंगे तो ये सारे कदम जिनकी आप बात कर रहे हैं तो स्टेट के पास एक बहुत बड़ा डेट रेवेन्यू भी है आपके पास अड़तालीस हजार करोड़ तक का डेट है इस समय तो क्या इन चीजों से वो डेट पूरा हो जाएगा एकदम एक से नहीं हो सकता है लेकिन मैं समझता हूँ कि उस जो जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं उसके ठोस परिणाम आएंगे हाइड्रो के हमारे ऐसे अट्ठाईस प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं हम उनको उनको गतिमान कर रहे हैं आपने करप्शन की बात आप कैसे करप्शन को फाइट करेंगे आपके हर आंसर में ये बात बार बार सामने निकल कर आ रही है लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके बारे में आपकी सरकार ने प्रॉमिस किया था कि सौ दिन के अंदर लोकायुक्ता को आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना देंगे लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा उसके बारे में सुना नहीं पड़ रहा है कैसे आप उसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे उसका रोड मैप क्या है उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे क्या देखिए लोकायुक्त बिल जो है वो अब सदन की विधानसभा की संपत्ति बन चुका है लेकिन मैंने शुरू में एक बात कही थी कि हम ऐसा काम क्यों करें कि लोकायुक्त की जरूरत पड़े हम ऐसी ईमानदार ऐसी भ्रष्टाचार से दूर रहने वाली सरकार क्यों नहीं दें कि लोकायुक्त की जरूरत ही न पड़े लोग महसूस ही ना करें आज भारत में कौन सा लोकायुक्त लेकिन, लेकिन राजनीति में ये तो बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन देखिए ले, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर हम देश की सत्ता में आए और मोदी जी कि इन तीन साल के से अधिक का समय आज हो गया है क्या कहीं ऐसी कोई चर्चा सुनने में आई कहीं भी नहीं आई है इसलिए मेरा यह कहना कि हम पहले बीमारी को पैदा क्यों होने देते हैं डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े हम बीमारी को पैदा ना होने दें हम बीमारी के कीटाणुओं को पहले ही नष्ट नहीं लेकिन डॉक्टर की जरूरत ना पड़े लेकिन अगर डॉक्टर बन जाता है तो एटलीस्ट उस डॉक्टर को टूथलेस क्लॉलेस पावरलेस ऐसा तो नहीं होना चाहिए डॉक्टर देखिए डॉक्टर तो हमारे पास एस आई टी लोकायुक्त बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमारी नीयत साफ है तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कि जो उसका इलाज कर सकते हैं और जो इलाज कर रहे हैं रावत साहब आपसे राजनीति के बारे में थोड़ा सा आ, बात करेंगे समय भी हमारे पास कम है कई सवाल है मेरे मन में आ, 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 आप आपसे करने के लिए अगर आप राजनीति की बात करें जब से आपकी सरकार बनी है आपकी सरकार में पांच ऐसे एमएलएज हैं जो पहले कांग्रेस के थे Uh, बहुत सारे लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्हें अभी भी आउटसाइडर का ही दर्जा मिला हुआ है और जो सीनियर बीजेपी लीडर्स हैं उनको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है ये कहाँ तक सच है नहीं देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुख्यमंत्री के नाते मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है सब पूरा सहयोग करते हैं हम सबसे सहयोग लेते हैं और सब मिलजुल कर ही कोई निर्णय लेते हैं शायद कोई बहुत एकाध कोई इमरजेंसी ऐसी कोई बात होगी कि जब हमने अकेले कोई निर्णय लिया होगा हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं हम कैबिनेट में करते हैं मेरी कोशिश होती है कि जो भी निर्णय हो वो कैबिनेट में हो और इन इन चार महीनों में हमारे जो भी निर्णय हुए हैं वो कैबिनेट में हुए हैं और बड़े प्यार से हुए हैं बड़े आराम से हुए हैं कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई ये लोगों के मन में भ्रम है मेरा ये मानना है कि जब उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली पार्टी ने उनको टिकट दे दिया उनको कमल का सिंबल दे दिया वो कमल के सिंबल पर जीत कर आए हैं तो फिर वो ये अंदर बाहर की बात कहाँ से हो गई ये कोई बात नहीं है और अगर हम ये अगर हम इस आधार पर देखें तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है मुझे लगता है कि गुजरात में कम से कम अस्सी लोग बाहर से आए हैं इसी तरह से अन्य राज्यों में आए हैं सांसद आए हैं जो अन्य दलों में रहे हैं और 2014 में जिन्होंने या उससे कुछ दिन पहले जिन्होंने भाजपा की संस्था ली और वो आज भाजपा में आए हैं वो भी सब लोग जानते हैं कि भाजपा की आइडियोलॉजी क्या है भाजपा की विचारधारा क्या है भाजपा की काम करने का तरीका लेकिन क्या है ये बात है, तो सब, सही सब सब बहुत समझदार और अनुभवी पॉलिटिशियन है जो आए हैं हमारे यहाँ भी जो आए हैं लेकिन पुराने लोग हैं अनुभवी लोग हैं एक बात जो सारे मीडिया वाले कहते हैं वो ये बात कहते हैं कि रावत साहब को बहुत टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ती है क्योंकि जिस समय आपका प्रधान आ, मुख्यमंत्री पद के लिए आई एम सॉरी मुख्यमंत्री पद के लिए जब आपका नाम चुना गया था तो बहुत सारे क्लेमेंट थे उस पोस्ट के सतपाल महाराज का नाम बहुत ज़्यादा उस पर आया था तो ईगो बैलेंस कैसे करते हैं सबसे बड़ा मेरा सवाल है देखिए मैं समझता हूँ क्योंकि उनके एस्पिरेशन थे कि वो मुख्यमंत्री के पद पर अपने आप को देखना चाहते थे कि यही स्वस्थ लोकतंत्र है कि जहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दावेदार हो दावेदार होते हैं और ये एक पार्टी के लिए एक स्वस्थ लक्षण है कि पार्टी के पास कई विकल्प हैं कि जो इस लायक हैं कि जो मुख्यमंत्री का की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं बात यह है कि जब निर्णय हो गया निर्णय के बाद अगर सब अलग अलग दिशा में भागते हैं वो गलत चीज़ है वो गलत है वो लोकतांत्रिक दृष्टि भी गलत है और संगठनात्मक और एक जो दिशा देने वाली राजनीति अगर हम करना चाहते हैं एक उसके लिए भी वो हानिकारक है लेकिन इस तरह का कोई अनुभव उत्तराखंड में नहीं है सब लोग बड़े सौहार्द से रहते हैं सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और सब लोग सहयोग करते हैं एक सवाल आपसे मेरा और भी था जिसके बारे में बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं क्योंकि आपका आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष के लोग तो ये बात बोलेंगे उनका ये कहना है कि आप एक हिंदुत्व एजेंडा चला रहे हैं लेकिन बहुत सिंबॉलिक तरीके से आ, जैसे आपने अपने चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस पे एक काउशेड बना लिया आप अभी शायद रिसेंटली किसी यूनिवर्सिटी में गए थे और वहाँ पर आपने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं एकेडमिक गाउन नहीं पहनूंगा क्योंकि इट इज़ अ रेलिक ऑफ़ द कलोनियल पास्ट ये इंडिकेशन क्या है इज़ इट एन एफोसिस ऑन द आर एजेंडा और इज़ इट समथिंग ऑफ योर पर्सनल चॉइस नहीं मुझे याद है उन्नीस में प्रोफेसर वासुदेव सिंह यूपी विधानसभा के अध्यक्ष थे और ये उन्होंने वहाँ पर संस्कृत संभाषण शिविर लगाया था विधानसभा के तेलाखॉल में मैं उस समय जलयम कर रहा था और मैं भी उस दौरान लखनऊ में ए, एक महीने के प्रशिक्षण के लिए गया था और मुझे भी वहाँ पर जाने का सौभाग्य मिला था तो फिर क्या कहेंगे क्या हिंदुत्व का एजेंडा है संस्कृत भाषाओं की जननी है गाय न केवल भारत में बल्कि आज सारी दुनिया गाय के गुणों की गाय की महिमा को समझ रही है तमाम तरह के शोध गाय पर हो रहे हैं और गाय क्या हिंदू ही पालता है क्या या इस एक करोड़ के देश में केवल हिंदुओं के घर में गाय है क्या सब लोग गाय पालते हैं और मैं तो ऐसे भी जानता हूँ कि जो गैर हिंदू भी गाय की माँ की तरह पूजा करते हैं माँ की तरह उसको स्थान देते हैं तो मैंने कोई किया है तो कोई ये अलग हटकर नहीं किया है और ये सच है कि गाय का कम से कम जो भारतीय जीवन है हम लोगों का जीवन है गाय का एक बड़ा स्थान है गाय को पूज्य माना गया है गाय को बोलते हैं कि जब धरती पर संकट आता है तो धरती भी गाय का रूप धारण करती है ऐसा हमारे शास्त्रों में मना लेकिन है। ये तो आप गाय की बात कर रहे हैं लेकिन आपने एकेडमिक गाउन को जो पहनने से मना कर दिया नहीं, नहीं वो वो हमारे लिए दास्ता की निशानी है अच्छा हमारे क्या अपना वेश नहीं है क्या हम अपना वेश क्यों नहीं हो सकते हमारा अपना वेश होना चाहिए हर किसी का अपना परवेश है अपना वेश है वो अपना होना चाहिए ये तो ये तो हम जो जो अंग्रेजों की दास्ता है अंग्रेजों की जो एक शुरुआत है उसको ढो रहे हैं किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए मैं समझता हूँ कि ये ये बात होना चाहिए कि भाई हम हम भी कुछ हैं क्या ये बात हम सही हम है क्या ये बात सही है कि शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत है उन्होंने शायद एक कमेटी बनाई और बोला गया कि जो भी एकेडमिक फंक्शंस होंगे वहाँ पे इंडिजिनस क्लोथ्स ही पहन के आने हैं लोगों को या भारतीय संस्कृति के कपड़े मैंने जब मैं पेट्रोल यूनिवर्सिटी में का ये वाक्य है और वहाँ पर मैंने जब गाउन पहनने से इनकार किया तो वहाँ पर हमारे राज्यपाल भी थे हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री भी उस मंच पर थे और मैंने जब ये बात कही तो हमारे जो बच्चे हैं जो भारत का भविष्य हैं उन बच्चों ने बहुत ज़ोरदार तरीके से उसका स्वागत किया और मैंने उनको कहा मैंने बेटा आप इंजीनियर बन रहे हैं आप आ, आपको आ, कल नए नए शोध कार्य करने एक छोटी सी चीज़ क्या आप अपने अपने कॉलेज के लिए या उत्तराखंड के लिए कोई ऐसा आ, ड्रेस नहीं बना सकते कि जिसमें अब अप, हम अपने आप को देख सकें बच्चों ने जम के ताली बजाई बच्चों ने कहा क्यों नहीं और जो फेट्रोल यूनिवर्सिटी है उनका जो मैनेजमेंट है उन्होंने वहीं पर कहा कि जब आप अगली बार आएंगे तो आपको भारतीय बेसूस लेकिन समाज का बहुत बड़ा तबका है वो ये भी कहेगा जो इंटेलिजेंसियां है और जो लिबरल ग्रुप्स हैं वो ये कहेंगे कि ये तो बहुत संकुचित विचारों का एक इंडिकेशन मैं उन लोगों को इंटेलिजेंस इंटेलिजेंसेंट मानता ही नहीं इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है और न उनकी परिभाषा से मैं बनने वाला हूं मैंने कहा कि मेरा अपनी सोच है मेरी सोच राष्ट्रीय सोच है मुझे लगता है कि हमारे किसी भी काम में राष्ट्रीयता झलकनी चाहिए एक सवाल रावत साहब आपसे ये भी करेंगे जो विपक्ष बार बार कहता है वो ये कहता है कि आरएसएस का बहुत ज़्यादा हस, हस्ताक्षेप है आ, स्टेट गवर्नमेंट को चलाने में रियलिटी क्या है क्योंकि विपक्ष तो अपनी बातें रखता है बार बार बोलेगा कि नहीं आरएसएस का बहुत ज्यादा ओवर इंटरफेरेंस है इन द गवर्नेंस ऑफ डे टू डे बट व्हाट इज द रियलिटी हाउ मच डू यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू दी आरएसएस अभी तक किसी भी विपक्ष ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया है ये तो मैं आपसे ही सुन रहा हूँ आप ही इस तरह की बात कर रही हैं कभी भी अभी तक विपक्ष ने ये बात नहीं कही है और आरएसएस ने कैसे गवर्नमेंट चलाना मैं तो स्वयं आरएसएस का आदमी हूँ मैं तो जन्मजात संघ का स्वयंसेवक हूँ संघ के प्रचारक के नाते काम किया जब आंखें खोली सामाजिक जीवन में तो आरएसएस में पहला पैर रखा तो मैं चला रहा हूँ अगर आरएसएस कोई ये कहता है कि आरएसएस चला रहा है तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है तो बहुत अच्छी बात है आर तो एक श्रेष्ठ विचारधारा है देश की विचारधारा है देश के लिए सोचती है देश के लिए विचार करती है देश के लिए काम करती है तो बहुत अच्छी बात है एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी इसके पहले कि मैं शो वाइंड अप करूं और आपसे सवाल मुझे बल्कि और पहले करना चाहिए था माइग्रेशन uh, को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी आपकी सरकार एक ड्राफ्ट स्टार्टअप पॉलिसी भी लेकर आ रही है और कहा गया है कि बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको माइग्रेशन को हटाने के लिए तो uh, इमीडिएट जो इनिशिएटिव्स हैं आपकी सरकार ने वो क्या लिए हैं माइग्रेशन को हटाने के लिए बहुत बड़ा इशू था इलेक्शंस में देखिए हमने इसको एक आ, सामाजिक चर्चा का विषय बनाया है और मेरे पास आज तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके सुझाव आते हैं कि हमको आ, रिवर्स माइग्रेशन के लिए क्या करना चाहिए माइग्रेशन रुके उसके लिए क्या करना चाहिए और इसलिए हम उस पर आ, एक निर्णय की ओर पहुँचे हैं उसके लिए हम लोग एक आयोग बना रहे हैं और उस आयोग का बहुत जल्दी इसी महीने हम लोग उसका गठन हो जाएगा जो तमाम जो सिर्फ माइग्रेशन के इश्यूज को लेकर तो माइग्रेशन पर ही काम करेगा और माइग्रेशन क्यों हो रहा है उन कारणों को दूर करने के लिए सरकार को अपनी

टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम डेवलप करेंगे इसी तरह से हमने संस्कृति ग्राम की घोषणा की है कि हम एक आ, संस्कृति ग्राम बने बनाएंगे जिसमें पूरा उत्तराखंड झलके और धीरे धीरे जब एक चीज़ हमारी विकसित होगी तो वो अन्य जगह भी उस पर अनुसरण होगा अन्य जिलों में भी उस पर काम होगा पूरे प्रदेश में उस पर काम होगा इस तरह से होम स्टे ये हमारे बड़ा सफल प्रयोग चल रहा है कि अपने घर में आपने दो रूम एक्स्ट्रा बना दिए और पर्यटक आ रहे हैं वो आपके यहाँ ठहरते हैं आप उनको खाना खिलाइए लोकल व्यंजन खिलाइए अगर वो कल्चरल कोई प्रोग्राम है तो उनको लोकल कल्चरल, कल्चरल प्रोग्राम दिखाइए बहुत ही इस समय एक सफल प्रयोग हुआ है इसी तरह से हमने एक सोशल मीडिया पे एक अभियान चलाया मेरी ओर से कि सेल्फ़ी फ्रॉम माय विलेज और इस बार मेरे जिलाधिकारों ने मुझसे कहा कि साहब लोग इस बार अपने गाँव की तरफ आए हैं एक अच्छा संकेत है और अभी हमारे उत्तराखंड के लोग लगभग दिल्ली में 20 लाख के करीब लोग हमारे उत्तराखंड में के दिल्ली में रह रहे हैं अभी हमारी उनके साथ भी मेरी उनके साथ बहुत जल्दी एक मीटिंग होने वाली अगस्त के महीने में इसी तरह जो प्रवासी हैं उत्तराखंड के लोग हम तो ये मानते हैं कि जितना उत्तराखंड में है इतने उत्तराखंड के लोग बाहर हैं और विदेशों में भी हैं तो हम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं कि आप आइए उत्तराखंड की तरफ आइए और अपने राज्य के कुछ करिए किस राज्य को अपना एक बेंचमार्क आप मानते हैं क्योंकि कहा जाता है हिमाचल से कंपेयर करिए तो बोलते हैं हिमाचल के पास सेब है उत्तराखंड के पास कुछ भी नहीं है ऐसा मार्केट करने के लिए उत्तराखंड कुछ सालों में क्या चीज कह सकता है कि ये उत्तराखंड देखिए जो हमारा ये पलायन पर जो हम आयोग बना रहे हैं ओके और हमने एक घोषणा और की है कि हम अपने किसानों को जो लघु और सीमांत किसान है हमारे यहाँ 90% लघु और सीमांत किसान हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में तो सारे इसी श्रेणी में आते हैं हमने उनको कहा कि हम एक लाख रुपये तक का ऋण देंगे आपको दो प्रतिशत की ब्याज दर पर दो प्रतिशत के दो प्रसत ब्याज दर पर उसका मकसद यही है कि हम कुछ वैलीज़ डेवलप करेंगे ये हमारी एप्पल वैली है ये हमारी दाल वैली है ये हमारी ग्रेन्स की वैली है ये हमारी वेजिटेबल वैली है ये हमारी मटर वैली है ये हमारी मेडिसिनल प्लांट्स की वैली है उस तर्ज पर हम लोग काम करेंगे और उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है इस समय है, एक लाख छियालीस हज़ार रुपया है देश की एक लाख छः हज़ार है अगर हम होल में विचार करें तो देश की जो औसत आय है उससे अधिक उत्तराखंड की है लेकिन अगर हम इसमें तो उधम सिंह नगर को अलग कर दें देहरादून को अलग कर दें हरिद्वार को अलग कर दें तो फिर ये एकदम डाउन होती है और इसलिए हमने कहा है कि हम जो अपनी पर कैपिटा इनकम देखें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको डेवलप करेंगे कि, कि बागेश्वर की कितनी है पिथौरागढ़ कि की कितनी है चमोली की कितनी है अगर ये बढ़ती है तो तब हम मानेंगे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं हम विकास कर रहे हैं और इसलिए हमारी सोच ये है कि हम पर कैपिटल इनकम बढ़ाने के लिए जिलों पर ध्यान देंगे न कि हम स्टेट का स्टेट का जो डेटा है वो तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत उत्साहवर्धक है मैं अभी यू एन की आंकड़े देख रहा था तो उन्होंने कहा आपके यहाँ तो बहुत अच्छी पर कैपिटा का मैं उनके जो कंट्री हेड है उनसे मेरी बातचीत हो रही थी मैंने कहा ऐसा है कि इसमें से पर्वतीय भाग वाला कर दीजिए आप मैदानी भाग वाला कर दीजिए आप तो फिर आप आपकी समझ में आ जाएगी कि, कि किस तरह की स्थिति हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की है इसलिए हमारी कोशिश ये कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए हम लोग Kare. Surely. Thank you so much. It was a pleasure Dhanabha. talking to you, sir. Dhanabha. So that's it on this episode of To the Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.